जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा 2017 के पेपर की, यूपीएसआई का है ये, शिफ्ट थर्ड का, जो 12/12/2017 का हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी, तो इसका समानार्थी शब्द है अनुभूति, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए, तो इसमें कौन सा सही विकल्प है? तीन नगर का नाम बताइए या तीन नगरों के नाम बताइए? ऑप्शन सी, तीन नगरों का नाम बताइए। ऑप्शन डी, तीन नगरों नाम बताइए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, तीन नगरों के नाम बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर का अर्थ क्या है? पुष्कर का अर्थ बताना है, पुष्कर का अर्थ है सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जटिल का अर्थ बताइए, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ क्या है? व्यर्थ, गंदा, असंभव, पेचीदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पेचीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सरस्वती पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी मंगला प्रसाद परितोषिक। तो इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस वाक में परिवेषण नहीं है? ऑप्शन ए मुझे तो थोड़ी ही भूख है, ऑप्शन बी बच्चे समझदार हो गए हैं, ऑप्शन सी अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ऑप्शन डी आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, झूठ सच के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या एसपाल? तो इसका सही आंसर है डी, एसपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल बदल जाना, लाल और पीला रंग डालना, अत्यधिक घमंड करना या बहुत क्रोध करना? तो इसका सही आंसर बहुत क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो इसमें पूछ रहा है उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो इस ऑप्शन ए बी बादल, सी समीप, डी तौलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलुजन मन किसकी रचना है? मिलुजन मन जो है वो किसकी रचना है? चित्र मृदुल या मृदुला गर्ग की, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा या ममता कालिया? तो इसका सही आंसर है मृदुला गर्ग की, ये रचना है मृदुला गर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, केदारनाथ, कैफी आजमी या कृष्ण सोबती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण सोबती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो इसमें पूछ रहा है पीपर पात में उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो इसमें जो है उपमान है, ऑप्शन सी उपमान। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कलंकित होना, भाग जाना, बड़ा काम करना, गद्दार होना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए प्रश्न अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, भिप्सा अलंकार या यमक अलंकार? तो इसका सही आंसर है यमक अलंकार।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सियार का गुण स्वभाव और है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें धूर्तता, चालाकी, सफेद चालाक, सुस्त मूर्ख, गंदा विभत्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धूर्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तपस्विनी, परोपकारिणी, तेजस्वी, हंसनी। तो इसका सही आंसर तेजस्विनी। नेक्स्ट, किंचित का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का तत्सम शब्द क्या है? परंतु, लेकिन, कुछ, थोड़ा। तो इसका सही आंसर है कुछ। 18, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा, काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, दूधनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है काशीनाथ सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 19। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए। तो इसमें कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य वर्तमान काल? तो इसका सही आंसर है सामान्य वर्तमान काल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर, अग्रजा, छात्र, राजन। तो इसका सही आंसर है अग्रजा। तो हम आप दोस्तों के लिए, आपके साथियों के लिए जो है, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर हिंदी के जितने होंगे सब कराएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।